हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज सैटरडे का दिन है तो आपको पता है सैटरडे को अपने मल्टीबैगर स्टॉक लेके आते हैं, यानी कि वीकली चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास स्टॉक होते हैं, ऐसे उसका चार्ट एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले 3 से 6 महीने में स्टॉक कहाँ तक जा सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आप भी समझ जाओगे कि चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं और आप भी अपने पोर्टफोलियो का ध्यान खुद से रख सकते हैं। तो अभी गाइस, पहली बार जो चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आपको यहाँ पे हर तरह के ट्रेड मिलते रहेंगे, अपने लाइव मार्केट में भी ट्रेड देते रहते हैं और यहाँ उसके अलावा अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में भी यहाँ पे बताते रहते हैं। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, चार्ट एनालिसिस कैसे करते वो सीखने को मिलेगा। उसके अलावा लाइव मार्केट में ट्रेड मिलेंगे, यहाँ पे आप देखोगे टेलीग्राम पे अपने लाइव मार्केट में ट्रेड देते हैं। लास्ट वीक पता है आपको इंट्राडे में अपने TWL दिया था, JPMA दिया था, कैरियर पॉइंट दिया था और अरविंद फार्मा दिया था। तो ये सारे स्टॉक आप देखोगे तो लास्ट वीक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में भी अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखना है, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अब मैं आपको 3 स्टॉक बताऊंगा जो वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास है, वहां से स्टॉक अच्छी रैली दिखा सकता है। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीक अपने एक MGL दिया था, जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा MGL अपने दिया था, उससे वहां से स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली ऊपर की साइड दिखाई, वो भी 1 से 2 दिन में। 920 का लेवल था, 980 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे ही ट्रेड आपको मिलते रहेंगे। तो अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहला स्टॉक रहेगा जो आपको 3 से 6 महीने पोजीशन बना के रखनी है। इसमें एक्चुअली 2 टारगेट है, तो आप 1 साल के लिए पोजीशन बना के रख सकते हैं। स्टॉक का नाम रहेगा पॉलिसी बाजार। वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो इसके पीछे का पहले अपने लॉजिक देख लेते हैं कि स्टॉक को क्यों बाय करना है। तो बाय करने का मेन रीजन गाइज आपको पता है अपना मेन फोकस होता है रिस्क रिवॉर्ड पे। अपने कम रिस्क में अगर कोई स्टॉक अच्छा मिलता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास, वहां पे अपने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, वहां पे बाय करने का ट्राई करते हैं। अगर वहां से स्टॉप लॉस हो भी गया तो भी आपका जल्दी आप एग्जिट भी हो जाओगे, आपका टाइम भी बच जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हो आप। तो वीकली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम रहेगा पॉलिसी बाजार। बाय करने का रीजन देखो, आज की डेट है 8 अप्रैल 2023, यानी कि सैटरडे का 3 है। वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, 3 रीजन है बाय करने के। रेसिस्टम बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, लो रिस्क ट्रेड है। तो रेसिस्टम बिकम सपोर्ट क्या होता है ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको पूरा वीकली चार्ट में एनालिसिस करके यहाँ पे समझाता हूँ। तो देखो स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, फिर से ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, यानी कि ये पूरा क्या है, आप इसको सपोर्ट जोन बोल सकते हो। जैसे ही उसको ब्रेकडाउन मिला तो अभी क्या हो जाएगा, आपको पता है सपोर्ट अभी रिजेक्शन का काम करेगा, यानी कि रेसिस्टेंट एरिया हो जाएगा, सप्लाई जोन भी बोल सकते हो। तो सेम ऐसा हुआ, देखो स्टॉक जैसे ही ऊपर गया वहां से रिजेक्शन मार के नीचे आया, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन नहीं जा पाया। फाइनली उसने देखोगे तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की साइड क्लोज दिया, यानी कि आपको यहाँ पे टोटली यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है कि स्टॉक ने सप्लाई जोन के ऊपर एक बार बंद दिया, यानी कि आपका अभी स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन अपने रिटेस्ट का वेट करते हैं, उससे क्या होता है कि अपना जो जैसे कि यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे आप बाय करोगे तो महंगा मिलेगा, इसलिए अपने रिटेस्ट का वेट करते हैं। और सेम ऐसा हुआ, लास्ट वीक देखोगे तो स्टॉक ने अच्छे से रिटेस्ट किया और जो उसका सप्लाई जोन था उसके अंदर क्लोज दिया, यानी कि अभी क्या हो गया, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो ये अभी पूरा डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया। पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिस्टम बिकम सपोर्ट, तो सप्लाई जोन जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। और नीचे से भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी स्टॉक ने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास क्लोज दिया है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। लास्ट से मिलिए जैसे कि स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया, फिर से ऊपर गया, तो ये आपका रिसेंट स्विंग लो है, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे अगर वीकली क्लोज देता है तो आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। तो यहाँ पे देखो स्टॉक को डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ से बाउंस बैक आने के, जैसे कि लास्ट वीक में मैंने एक MGL बताया था, सेम टू सेम सेटअप था, तो उसमें क्या हुआ, स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई और फिर से स्टॉक ऊपर चला गया। तो यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाने के 90% चांस है, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 545 के नीचे। अगर वीकली क्लोज देता है तो आपको एग्जिट करना है। तो ये अपना हो गया पहला स्टॉक जो आपको बाय करना है, लो रिस्क में मिल रहा है। CMP देखोगे तो 593 है, आपका स्टॉप लॉस है 590 545, यानी कि यहाँ से देखोगे तो ₹50 का, यानी कि 10% आप ले, 10% का आपका रिस्क रहेगा। सामने रिवॉर्ड देखो, आपको 1340 का भी रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी कि यहाँ से स्टॉक डबल से भी ज्यादा जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया स्टॉक है, तो इस स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए, आपको अपने पोर्टफोलियो में एड करना चाहिए।
और इसमें पहला टारगेट रहेगा वो 970 का रहेगा, प्रीवियस में जो रिजेक्शन मारा था नीचे गया था, फिर से रिजेक्शन मार के यहाँ से नीचे गया, तो ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट उसका ऑल टाइम हाई के आसपास रहेगा 1340 का, जो एक साल में आ सकता है। तो आपको यहाँ से पोजीशन बनानी है, यहाँ से 6 महीने में आपका टारगेट पहले 970 आता है, तो वहां पे क्या करना है, आधी क्वांटिटी निकाल देनी है, आधी क्वांटिटी आपको होल्ड रखनी है, और आधी क्वांटिटी कहाँ पे निकालनी है, 1340 पे निकालनी है। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया जो आपको बाय करना है, एकदम लो रिस्क में आपको स्टॉक मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात यही कि आपको चार्ट एनालिसिस सीखने को मिल रहा है। तो गाइज अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो और कमेंट करके मोटिवेट भी कर सकते हो। अभी अपने दूसरे स्टॉक पे चलेंगे जो जिसका नाम है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको बाय करना है, वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम रहेगा टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बाय करने का डेट कौन सा है, आज की एनालिसिस डेट है 8 अप्रैल 2023, वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस है। सेम रीजन है, देखो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये सप्लाई जोन था, स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया, आप इसको ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल मिलती है तो ये सप्लाई जोन क्या हो जाता है, पूरा डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे से ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पे मिल रही है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो गाइज अपने हर यूट्यूब वीडियो में मैं आपको बोला है कि जब भी कोई भी ट्रेंड लाइन डिमांड जोन के अंदर से क्रॉस होती है तो वो स्टॉक का क्या हो जाता है, रिवर्सल पॉइंट हो जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर स्टॉक नेक्स्ट वीक समझो यहाँ से गिरता है तो उसको डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिलेगा और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, और स्टॉक वहां से बाउंस बैक करने के 90% चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका क्या है, अगर समझो स्टॉक यहाँ से गिरता है नीचे तो उसको डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिलेगा, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, और उसके नीचे कंटिन्यूस गिरता है और इसके नीचे क्लोज देता है तो ही आपको एग्जिट करना है। यानी कि बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा वो। नॉर्मली आप देखोगे तो ये रिटेस्ट कैंडल आप इसको बोल सकते हो, रिसेंट लो एक कैंडल का था, उसके हाई के ऊपर भी गया, यानी कि आपका रिवर्सल कंफर्मेशन हो चुका है, तो ऐसे स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो अभी सीएमपी 369 के आसपास है, तो आपको अभी बाय करना है, टारगेट लगाना है 520 का, जो ऑल टाइम हाई के आसपास है वो आपका टारगेट रहेगा। एसएल एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 970, यानी कि ये जो रिसेंट स्विंग ला मारा था नीचे की साइड, उसके नीचे वीकली क्लोज, ध्यान से सुनना गाइस, वीकली क्लोज है, तो आपको फ्राइडे का वेट करना है। तो वीकली क्लोज देता है, कैंडल पूरी क्लोज होती है 290 के नीचे, तब भी एग्जिट करना है। टाइम पीरियड है वो 3 से 6 महीने का है, तो 520 के टारगेट लेके आप चल सकते हो। तो ये टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा सेटअप बना हुआ है, तो आप इसको बाय कर सकते हो मंडे से। अभी मैं आपको तीसरा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जो आपको बाय करना है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना है। स्टॉक का नाम रहेगा नितिन स्पिनर। नितिन स्पिनर को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो इसको भी अपने वीकली चार्ट के ऊपर ही एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम रहेगा नितिन स्पिनर, स्टॉक का नाम रहेगा, और एनालिसिस डेट रहेगी 8 अप्रैल 2023। तो इसको क्यों बाय करना है, तो आप ध्यान से देखोगे गाइस, तो स्टॉक क्या कर रहा था, यहाँ से नीचे गिर रहा था, तो ये उसका क्या हो गया, पहले हल्का सा सपोर्ट लिया था, सपोर्ट उसका ब्रेकडाउन हो गया, तो अभी रिजेक्शन का काम कर रहा था। आप ध्यान से देखोगे तो पूरा सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन कौन सा था, 238 से 249 का था। और लास्ट वीक स्टॉक ने क्या किया, आप ध्यान से देखोगे तो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई और सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज दिया। देखोगे तो उसका सीएमपी भी 251 है और उसका सप्लाई जोन था 238 से 249 का सप्लाई जोन था, तो उसके ऊपर क्लोज दिया, यानी कुछ ना कुछ स्टॉक में होने वाला है। और प्रीवियस में देखोगे तो वो स्टॉक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट देके ऊपर गया है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ पे भी रिजेक्शन था, और नीचे से अप ट्रेंड लाइन में जा रही थी, यानी कि आप ये देखोगे तो इसको क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हो। उसका स्टॉक ने क्या किया, अच्छे से ब्रेकआउट दिया है, और आपको पता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है, तो लास्ट वीक अपने जैसे जेबीएमए स्टॉक देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो जैसे ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक में बहुत अच्छी रैली ऊपर की साइड आती है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट है। अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो उसका ये ट्रेंड लाइन का लास्ट सपोर्ट है, वो अपना क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 211 का। उसके नीचे अगर स्टॉक वीकली क्लोज देता है तो आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। तो अभी सीएमपी 251 है, तो आपको 325 का लेवल 6 महीने में स्टॉक दिखा सकता है, ऑल टाइम हाई के आसपास उसका जो लेवल है वहां तक आने वाले 6 महीने में जा सकता है। उसके बाद भी अगर स्टॉक को होल्ड रखते हो और
समझो कि 325 और 330 के ऊपर क्लोज देता है कंटिन्यूस, तो आप उसको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको आधा प्रॉफिट बुक करना ही करना है। उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करके उसको होल्ड भी रख सकते हो। तो ये अपना तीसरा स्टॉक था नितिन स्पिनर, जो आपको वीकली चार्ट के ऊपर बहुत अच्छे सप्लाई जोन के ऊपर ब्रेकआउट, आप इसको क्लियरली ब्रेकआउट स्टॉक भी बोल सकते हो, ब्रेकआउट कैंडल भी बोल सकते हो। तो ये स्टॉक को आपको बाय करना है। तो गाइज मैंने आपको टोटल तीन स्टॉक बताया, पॉलिसी बाजार जो एकदम लो रिस्क पे आपको मिल रहा है, दूसरा है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक जो आपको ऑलरेडी रिटेस्ट करके ऊपर चला गया है स्टॉक, तो आपको कंफर्मेशन मिल चुका है, और तीसरा स्टॉक है नितिन स्पिनर जो आपको अच्छे से ब्रेकआउट दिया है, सप्लाई जोन के ऊपर अच्छे से क्लोज भी दिया है, तो स्टॉक में अच्छी मोमेंटम ऊपर की साइड आ सकती है। तो गाइज तीनों स्टॉक अच्छे है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लेवल रखना है, जब भी आप बाय करो तो स्टॉप लॉस लेवल लिख के रखो, रिसेंटली वो ये रहेगा, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, और आपको कुछ भी अगर ये वीडियो से गेन मिला हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हो गाइज। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।